Assalamu alaikum students. In the last video, I discussed the method to draw a square thread. Now in this video, I am going to show the procedure to draw a knuckle thread. Before going further, let me remind you, jaisa ki maine last lecture mein bhi bola, jab bhi hum kabhi bhi koi bhi thread banayenge, hum uski width aur depth ko consideration mein lete hain. Now in the case of knuckle thread, the width and depth of the thread is 0.5p. Let us suppose I am again taking pitch as 40 mm. उस हिसाब से इस थ्रेड की विड्थ और डेप्थ 20 mm आएगी. I will draw the same arrangement as I did in case of square thread. बराबर मैं वही arrangement यहाँ पे बनाऊंगा जो मैंने square thread में बनाया था, but with the help of a 4H pencil. मैं 4H pencil use करूँगा. Again, एक vertical line से thread की depth बनाऊंगा, that is 20 mm. उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस थ्रेड की विड्थ होगी 20 mm, फिर से डेप्थ 20, विड्थ 20, डेप्थ 20, विड्थ 20, अगेन डेप्थ 20, विड्थ 20 एंड फाइनली विड्थ 20. और ये डेप्थ है. आई विल स्टॉप हियर. ये सारा मैं 4H पेंसिल से बना रहा हूं. इसके बाद यहां से इस लाइन और इस लाइन के बीच में मैं एक सेंटर लाइन पास करूंगा ऐसे. उसके बाद इस लाइन और इस लाइन के बीच में भी एक सेंटर लाइन पास करूंगा. इस लाइन और इस लाइन के बीच में भी एक सेंटर लाइन. इस लाइन और इस लाइन के बीच में भी एक सेंटर लाइन. ऐसे ही प्रोसेस रिपीट होगा यहां तक. नाउ इसके बाद मैं कंपास की हेल्प लूंगा एंड यूजिंग एच पेंसिल. अब 4H में यूज नहीं करूंगा. अब मैं एच पेंसिल लूंगा और कंपास लूंगा. कंपास का रेडियस में 0.25 p लूंगा, विच कम्स आउट टू बी 10 mm. और जहां जहां पे ये सेंटर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे मैं कंपास का सेंटर लूंगा. ये मैं आर्क्स बनाऊंगा, लेकिन कंपास का रेडियस होना चाहिए 0.25 p, जो 10 mm आता है. ऐसे मैं आर्क्स बनाऊंगा, सेंटर यहां पे ऐसे. उसके बाद कंपास का सेंटर यहां पे ऐसे ऐसे सेंटर यहां पे ये ऐसे बनेगा. इसके बाद अब मैं कंटिन्यूअस लाइंस बनाऊंगा. ये मेरा नकल थ्रेड है. नकल थ्रेड इज एक्चुअली द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्क्वायर थ्रेड. ये स्क्वायर थ्रेड का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ. अभी इसमें हैचिंग भी करनी है और हमें डाइमेंशंस भी दिखाने हैं. सबसे पहले मैं इसकी हैचिंग करूंगा. जैसा कि मैंने कल भी बोला लास्ट लेक्चर में, हैचिंग लाइंस आर ड्रॉन एट एन एंगल ऑफ 45 degrees ऐसे. ये इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए. ऐसे ये मेरा नकल थ्रेड है, लेकिन अभी इसमें आप डायमेंशंस दिखानी है. इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको हम पिच बोलते हैं. पिच हमारा कितना है? 40 mm. सॉरी, हाँ, यहां से यहां तक 40.
उसके बाद इस थ्रेड की थिकनेस, थिकनेस इस थ्रेड की है 0.5 पी, जो 20 mm आता है। उसके बाद इसकी डेप्थ, उसके बाद इन जो मैंने ये आर्क्स बनाई इनका रेडियस, रेडियस है 0.25 पी, जो 10 mm आता है इफ आई एम टेकिंग पिच एज 40 mm। दिस इज द नकल थ्रेड।